अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल लतीफ और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो कि एक यूट्यूबर है सियालकोट से, हबीबुर रहमान साहब उनका नाम है। उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन किए थे और वो मैंने स्टेज के ऊपर लिख लिए हैं। मैं अभी आपको उनका जवाब देता हूँ। अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने वीडियो को बना के अपलोड करना बेहतर समझा, ताकि उनकी तो जो हेल्प होनी है उनके साथ साथ किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो उनका जो पहला क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि अपने कंप्यूटर में बगैर जीमेल के अगर हम अपनी वीडियो को देखते हैं तो क्या वॉच टाइम मिलेगा, या फिर कोई दूसरा आदमी जीमेल के बगैर हमारी वीडियो को देखता है तो उसका वॉच टाइम हमें मिलेगा। तो भाई देखें, जब आपने वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दें उसको कोई भी देखे, चाहे वो जीमेल से लॉग इन हो चाहे ना हो, उसका वॉच टाइम आपको आना है। तो दूसरी बात, ये जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, यहां से मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है कि कहीं ये भाई ये ना सोच रहे हो कि भाई मैं अपने कंप्यूटर से विदाउट जीमेल के, यानी कि अकाउंट को लॉग इन किए बगैर ही मैं वॉच टाइम लेता रहा हूं। तो यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो वॉच टाइम आपको मिलना है, ये आपको जीमेल अकाउंट से नहीं मिलता, ये आपको कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से मिलता है। अगर आप जीमेल को ओपन करेंगे तो वहां पर जो यूट्यूब आपको टाइम देगा उसके साथ मेंशन होगा कि ये फलां जीमेल अकाउंट से और फलां आईपी एड्रेस से ये वीडियो देखी गई है और इतना टाइम इसके अकाउंट में ऐड कर दिया है। अगर जीमेल अकाउंट ओपन नहीं है, यानी साइन किए बगैर ही कोई आपकी वीडियो देख रहा है, तो क्या होगा कि आईपी एड्रेस ही खाली मेंशन होगा, जीमेल अकाउंट मेंशन नहीं होगा। यूट्यूब के जो सिस्टम पड़ा हुआ है वो सिस्टम आपके जो अकाउंट में वॉच टाइम डालेगा वो जस्ट आईपी एड्रेस के थ्रू ही डालेगा कि ये फला आईपी एड्रेस से वीडियो देखी गई है। तो ये बात कभी जहन में नहीं रखना कि मैं खुद ही अपनी वीडियो को वॉच करूंगा जीमेल अकाउंट को लॉग इन किए बगैर, तो मैं अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही खुला अदारा है, तो इसके साथ दो नंबरी से इंटर होना नामुमकिन है। कुछ लोग हो जाते हैं लेकिन वो गलत है, कभी ना कभी वो इसकी सिस्टम की निगाह में आ जाएंगे तो उस टाइम आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अच्छा, तो दूसरा सवाल है इनका, एक नंबर पर कितने जीमेल अकाउंट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों देखो कि जीमेल अकाउंट जो होता है उसके नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं होता, चाहे आप एक नंबर पर 1000 जीमेल अकाउंट बना लो, वो वेरिफिकेशन वो इसलिए नंबर मांगते हैं कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो अपने जीमेल अकाउंट का तो आपको रिकवरी में एक नंबर देना पड़ता है, रिकवरी मेल में, तो उस टाइम आपको एक पासवर्ड ओटीपी कोड जो आएगा वो किस नंबर पर है, वो जस्ट इसलिए नंबर देते हैं, उस जीमेल उसका जीमेल के साथ लेना देना कुछ नहीं होता। उसके बाद भाई साहब ने तो क्वेश्चन किया है कि मेरा एक दोस्त है, बोल रहे हैं हबीबुर रहमान साहब सियालकोट से, वो बोल रहे हैं कि मेरे एक दोस्त ने एक चैनल स्टार्ट किया है, उस पर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 5 साल से पुराना चैनल है, 5 साल हो गए हैं उसको बने हुए, अभी आके वो बोल रहे हैं कि मैंने ये चैनल बनाना है और उसमें रिव्यूज डालने हैं। देखो दोस्तों, अगर तो वो चैनल मोनिटाइज है, ऑलरेडी मोनिटाइज है, तो उसके ऊपर काम करना बेहतर है, अच्छा है। लेकिन अगर वो मोनिटाइज नहीं है और वो YouTube की जो पॉलिसी है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम आपको चाहिए, अगर उस चैनल के ऊपर ये पॉलिसी अभी लागू है, तो फिर आप उस चैनल के ऊपर काम नहीं करें। उसका रीजन ये है कि YouTube जो है वो 1 साल का टाइम देती है, 1 साल के अंदर अंदर हमें वो वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है और सब्सक्राइब लाने होते हैं। 1 साल से मुराद ये है कि फिक्स 1 साल नहीं है, अगर आपके 1000 सब्सक्राइब हो गए और वॉच टाइम आपका थोड़ा बाकी है तो आपको 2 से 2.5 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इतनी सख्त पॉलिसी नहीं है ये, 2 से 2.5 महीने आपको ज्यादा मिल जाएंगे। और अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और जो सब्सक्राइब है वो थोड़े डाउन है तो भी आपको 2 से 2.5 महीने मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दोनों डाउन है तो फिर इम्पॉसिबल है, फिर आपको ना तो कोई टाइम मिलेगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और आपका जो चैनल होगा वो उसी टाइम डीमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा,
यानी कि सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद भी मोनिटाइज नहीं होगा। ये बात जहन में रखें। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और आपने बहुत पुराना चैनल उठाया है कि मैं इस चैनल के ऊपर काम करूं, तो वो चैनल को बंद कर दें। नया चैनल बनाए कितने मिनट, 2 मिनट लगते हैं। नया चैनल बनाए, नए चैनल के ऊपर आप काम करें, आपके पास 1 साल का टाइम है। देखिए, अगर आपका जो चैनल है अगर उसको 7 महीने हो गए हैं बने हुए, और अगर आप आज सोच रहे हो कि मैं उसके ऊपर काम करूं, तो ये बेवकूफी वाली बात है। आप उसके ऊपर काम नहीं करें, आप अपना एक नया चैनल बनाएं, उसके ऊपर काम करें, क्योंकि आपके पास टाइम टाइम होगा। एक साल जो आप 7 महीने वाला चैनल उठा के उसके ऊपर अपनी वीडियोस डालोगे, तो आपके पीछे बाकी कितना टाइम बचा, 5 मंथ बाकी बचे, तो 5 मंथ में आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा। या तो टाइम आपका वॉच टाइम बाकी बच जाएगा, या फिर आपके सब्सक्राइबर बच जाएंगे, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी आप कोई चैनल स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, तो नया चैनल बनाया करो। और जीमेल के अकाउंट जितने मर्जी एक ही नंबर पर बना लो। जो जीमेल आपने यूट्यूब के लिए बनाना है, कोशिश करें कि उसमें एक नंबर रखें, और पीछे जितने भी अकाउंट बनाए हुए जीमेल में से, उनमें से जीमेल अकाउंट में से नंबर को रिमूव कर दो। आप जीमेल अकाउंट को ओपन करते हो, उसके बाद एक साइड में कोने में ऊपर आपको आपकी फोटो लगी हुई नजर आएगी, जो आपने जीमेल के अकाउंट के ऊपर लगाई होती है, उसके ऊपर क्लिक करें तो नीचे आ जाएगा मैनेज गूगल अकाउंट सेटिंग। जब आप अपने मैनेज अकाउंट में जाओगे, वहां पे आप सॉर्टिंग का ऑप्शन देखें, सॉर्टिंग के ऑप्शन में नीचे आपको रिमूव नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, कि यानी अपना नंबर रिमूव कर सकते हैं इधर से, तो वहां से अपने नंबर रिमूव कर दो। आप अपने नंबर रिमूव भी कर सकते हो जीमेल अकाउंट से, और अगर नहीं भी करते फिर भी ठीक है। एक नंबर के ऊपर आप जितने चाहो जीमेल अकाउंट बना सकते हो, और लाजमी नहीं है कि आपने नंबर के ऊपर ही जीमेल अकाउंट बनाने हैं, आप जीमेल के ऊपर भी जीमेल अकाउंट बना सकते हो। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है जीमेल अकाउंट बनाने में। ये फेसबुक में और दूसरे अकाउंट्स में होता है कि अगर आपने फेसबुक के एक नंबर पर फेसबुक अकाउंट बना लिया, तो दूसरे नंबर पर फेसबुक अकाउंट नहीं बनेगा। ये दूसरे अकाउंट के ऊपर होता है, ये जीमेल के ऊपर ये अभी तक कानून लागू नहीं हुआ। सबसे लास्ट बात मैं ये करना चाहूंगा, जितने भी भाई नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, वो डिफरेंट किस्म के अपने उस्ताद को ढूंढते हैं कि हमें यूट्यूब के ऊपर काम करना है, कोई आदमी मिल जाए। तो भाई आप अपने उस्ताद को ढूंढो। उस्ताद मतलब कि किसी न किसी से आपको सीखना है ये काम, और अगर आप सीखोगे नहीं तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। तो अपने यूट्यूबर उस्ताद को ढूंढो, किसी एक को ढूंढ लो और उसी को फॉलो करो। ये नहीं कि आप जो है मुझे सिलेक्ट कर लेते हो, यूट्यूब मुझसे सीख रहे हो, आने वाले टाइम में जब मोनिटाइजेशन का टाइम आए उस टाइम आप किसी और की वीडियो देख के उसको मोनिटाइज करना चाहो। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं करना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत से फेक आदमी बैठे हुए हैं जो गलत गाइड करते हैं, और उस वजह से आपका नुकसान हो जाता है, आपकी सालों की जो मेहनत है वो रायगा हो जाती है। तो कभी भी यूट्यूब से आपने ये तरीका नहीं देखना कि हाउ टू मोनिटाइजेशन, ये फला फला, ऐसा कुछ नहीं आपने देखना। हाँ, देख लिया करें, लेकिन जब आपका टाइम आता है तो आप अपने उस्ताद से बात करें। उस्ताद मतलब मैं कोई यूट्यूबर में नहीं आता, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे साथ बात करें, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, मैं भी उसे नहीं हूँ, वो गलत माइंड अपना जो है माइंड वो गलत रास्ते में लेके जाते हैं। भाई ये अपने आप को उस्ताद बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि जिससे आप काम सीख के कर रहे हो, वो आप मानो ना मानो वो आपका उस्ताद है, तो आप उसी के साथ मशवरा किया करें, मशवरा करके फिर अपने चैनल को मोनिटाइजेशन किया करें, और विदाउट अपने जिससे आप सीख रहे हो उससे पूछे बिना अपने चैनल को मोनिटाइजेशन करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आजकल मोनिटाइजेशन के जो रूल्स हैं वो थोड़े सख्त हैं। लॉकडाउन चल रहा है, ये वायरस की वजह से कुछ लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से आपको मोनिटाइजेशन की जो मेल्स हैं वो नहीं आती, जो आपको वेरीफाई पिन आना होता है मोनिटाइजेशन का वो नहीं आ रहा। इसलिए आप मशवरा करके अपने जो है उस्ताद से मशवरा करके उसके बाद आगे का स्टेप उठाया करें। मैं तो सबको फोर्स करता हूँ कि भाई यूट्यूब का काम करो, ये बहुत पैसे देती है, किसी गरीब का भला हो जाएगा तो वो दबा देगा।
लेकिन कभी भी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना, आपने अपनी मेहनत से आगे जाना है तब आप कामयाब हो। जब आप शॉर्टकट रास्ता किसी भी फील्ड में शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हो उस टाइम मार खा जाते हो। मौके पे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा लेकिन बाद में आपको उसके नुकसान देखने में मिलेंगे। शॉर्टकट यूट्यूब में शॉर्टकट क्या होता है कि आप पैसे दे देते हो सब्सक्राइबर के लिए, 4,000 5,000 सब्सक्राइबर के लिए पैसे दे दिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा लिया। मैं खुद ये काम करके देता हूँ, मेरी फीस है 5,000 रुपये, 5,000 में सब्सक्राइब करके देता हूँ, 1,000 से 1,500 सब्सक्राइब दे देता हूँ। लेकिन देखिए उन सब्सक्राइबर का फायदा तो नहीं है, वो फजूल है ना, तो वहां से आपको कोई व्यू आना है। अगर मैं आपको वॉच टाइम देता हूँ ना, तो आपको वहां से ये वॉच टाइम देने के बाद ना तो मैं वॉच टाइम देने वाला हूँ। वो है ईमेल होती है जिनके जरिए आपके जो है क्लिक होते रहते हैं और आपको सब्सक्राइब मिल जाते हैं, 1 दिन में 1,000 सब्सक्राइबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है शॉर्टकट, सीधे सीधे लफ्जों में मैंने आपको बता दिया है, इन शॉर्टकट में नहीं बढ़ना। हाँ, जो मेरे मुझसे ये काम ले रहे हैं सब्सक्राइबर, जो मुझसे ले रहे हैं, जो वॉच टाइम ले रहे हैं, तो दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप क्यों ले रहे हो। आप मुझे पैसे दे रहे हो, मैं आपका काम कर रहा हूं, सीधी सी बात है। आगे आपने मेहनत करनी है, उसके नुकसान जो है वो मैंने पहले भी एक वीडियो भी बनाई है, उसमें भी बता दिया है कि जो पैसे देकर सब्सक्राइबर लेने हैं या फिर जो वॉच टाइम लेना है उसके क्या नुकसान होते हैं, वो तो सारा कुछ मैंने डिटेल से वीडियो में बता दिया था। आप वो वीडियो देखने के बाद भी मुझसे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम लेते हैं तो ये आपकी गलती है। मेरा तो काम है भाई, मैंने तो पैसे लेने हैं तो आपको काम करके दे देने हैं, उसके बाद मैं आपको नहीं जानता, ठीक है। लेकिन ये जो चैनल है, इस चैनल में मैं आपको सीधी सीधी बातें बता रहा हूं कि कभी भी इन चक्रों में नहीं पड़ना। सीधी बातें बताने का मतलब यह है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। ये जो मुझे देख रहे हैं मेरी बातें सुनने के बाद क्या मेरे पास आएंगे सब्सक्राइबर लेने के लिए, जो वॉच टाइम लेने के लिए? नहीं आएंगे। नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। तो दोस्तों ख्याल करें और मेहनत के साथ आप आगे जाए, इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल आप कामयाब हो जाओगे। और जब आप कामयाब हो जाओगे ना, आपको कामयाब होने में पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां से कामयाब होंगे। आप डेली की 3 से 4 वीडियो डाल रहे हो, आपने 3 से 4 मंथ ये काम किया है, 3-4 वीडियो डाल रहे हो, क्या होगा कि एक दिन आपकी एक वीडियो वायरल हो जाएगी। तो दोस्तों जब आपकी वीडियो वायरल हो गई तो आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। बस आपने कोशिश करनी है कि वीडियो डाल के आपने ये नहीं देखना कि मुझे कितना वॉच टाइम मिला है, मुझे कितने सब्सक्राइबर मिले हैं, मैं तो कामयाब ही नहीं हो रहा। अपना दिल छोटा नहीं करना है। आपने जब कामयाब होना है आपने 2 से 3 दिन के अंदर कहां से कहां पहुंच जाना है। जस्ट जस्ट एक वीडियो वायरल होना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो वीडियो 1 साल में वायरल होगी अगर आपके चैनल में 300 से 350 वीडियो पड़ी हुई है, आप डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहे हो, तो इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो वायरल होगी। एक नहीं बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होगी और आप हजारों में फौरन आ जाओगे। यार मैंने एक अपने दोस्त का चैनल बनाया था टीच टेक्निकल के नाम से, शायद आप लोग जानते ही होंगे उसको, साबर भाई है, उनका मैंने चैनल बनाया था आज से 2 साल पहले। तो उस चैनल के साथ क्या हुआ कि उन्होंने काम किया उस चैनल में, कि उन्होंने एक वीडियो बनाई 30 सेकंड की अपने बच्चे की। यकीन मानिए कि उनका जो चैनल फेमस हुआ अपने बच्चे की 30 सेकंड की वीडियो से, उसके पास 35,000 सब्सक्राइबर जो है 3 दिन में आए, वो एक वीडियो वायरल होने की वजह से। 35,000 सब्सक्राइबर मुंह से कहना बहुत इजी है, लेकिन जब आपको पता चले ना कि 35,000 सब्सक्राइबर से आप कितने पैसे कमा सकते हो तो आपके होश उड़ जाएंगे। बात करने का मतलब यह है कि आप डरा ना करें कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। भाई नहीं बढ़ रहे, मुझे भी पता है कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। भाई देखें इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। एक सिंपल सी मैं मिसाल देता हूं कि एक जगह में एक
कपड़े की दुकान है वो बहुत ज्यादा चल रही है और आप उसी के पास जाके दूसरे कपड़े की दुकान बना लेते हो, तो क्या ख्याल है आपका कि आपकी जो दुकान है फौरन उसी तरह चलने लग जाएगी जैसे पुरानी दुकान चल रही है? नहीं भाई, देखो उसके साथ उसके पास परमानेंट ग्राहक बन चुके हैं, उसके पास कस्टमर आ गए हैं, तो जो कस्टमर होगा वो पुरानी दुकान पे जाएगा, भाई इससे मैं पहले भी कपड़े लेता हूँ तो अभी भी मैं इससे रहूंगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी दुकान को बंद करें और दूसरी जगह ले जाएं, हरगिज नहीं, आप अपनी दुकान को वहां पे रखें, आपके पास एक कस्टमर आएगा, लेकिन जब वो कस्टमर आएगा उसके साथ अच्छी डीलिंग करें, वो आपसे कपड़े लेके जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब कपड़े लेने होंगे तो उस लड़के के घर वाले खुद ही बोलेंगे कि भाई हमें भी उसी दुकान पे लेके जाओ जहां से आप पहले कपड़े लेके आए थे, तो उसके पूरे घर वाले आपके पास आएंगे कपड़े लेने के लिए। अभी एक से पांच बने, फिर पांचों ने फिर अपने पांच दोस्तों को बताना है कि इस कपड़े की दुकान पर आओ, यहां से अच्छा कपड़ा मिलता है, यहां से कपड़े लेके जाओ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर आपने फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट ग्राहक को गलत कपड़ा दे दिया तो क्या बनेगा, दोबारा वो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। मतलब ये कि मैं वीडियो अगर बना रहा हूं, मैं अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन दे देता हूं तो आप दोबारा मेरा कभी भी चैनल नहीं देखोगे, इस आदमी ने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी है। तो अपने जो चैनल को सीधे रास्ते पे रखें, उसमें झूठ नहीं बोले, सच बोले, और वीडियो वायरल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, थोड़े से दिन में आप लोगों की वीडियो यहां से यहां आ जाएगी और आप पैसे कहां से आ रहे हैं आपको नहीं समझ आएगा। इतने नहीं कि आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा होता तो फिर तो पूरी दुनिया अमीर होती, मतलब इतना तो हो जाएगा कि आपका जो घर का सर्किट है वो इजी तरीके से चल सके। आप चार से पांच वीडियो बनाओ वन मंथ में और अपने घर का सर्किट चला लो, इतना हो जाएगा। इसी किस्म का आप भी कोई मसला हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और यूट्यूबर्स के लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है छोटे यूट्यूबर्स के लिए, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, और नीचे मेरा नंबर भी है आप लोगों के पास व्हाट्सएप में, हर वीडियो के स्टार्टिंग में भी आता है, एंड में भी आता है, आप मेरा नंबर से बिना किसी झिझक आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, और मैं आपको फुल टाइम दूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि आपका एक मैसेज सुनने के बाद बोल दूंगा मेरे पास टाइम नहीं है, भाई मैं फ्री हूँ, फुल टाइम फ्री हूँ, हाँ जॉब करता हूँ लेकिन फ्री हूँ। आप लोग कभी भी मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझाऊंगा। ये नहीं सोचना कि हम मैसेज करेंगे तो आगे से भाई पता नहीं जवाब देगा या नहीं देगा, मेरी एक मैसेज का एक जवाब देगा, आप एक क्वेश्चन करेंगे मैं आपको 10 बातें बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भी एक टिप्स होती है कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों ने बोल देना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि जो आपकी वीडियो देखते जाने वाला है हो सकता है कि वो भूल गया हो कि मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये चैनल मैंने टिप्स के लिए बनाया हुआ है, आपने सब्सक्राइब करना है, करें नहीं करना ना करें, लेकिन मैं यहाँ पे टिप्स देता हूँ और सच्ची बात करता हूँ, मुझे यहाँ से सब्सक्राइबर लेके फेमस होना इधर से नहीं चाहिए। मैं ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।